Good morning once again. Ngasi class 5 yun na ngarangi makasa tara po ina. Ngarang tatay yung group ta ko yung saigi. Nini dun na ang saigi kuko tugi mim dula ipa radio do dudo mana pai gito umatam da. Adudo pai kanu kuko na pai kanu aduda ko yung may sing mani ko pani na ang saigi kuko na nini da harami ko. Adu hai matam da nini hai es ay na di si je pai gito tiang ge tak tau re. Tiang ge tau re kulu re na hai adai di es. Yare fare nang gi kanu se ya tamina ai masi gi pau je oi exam gi matang la kada ngasa gi maru pau do do ta da bi ata mina ai tin chu mem chala ge du do ga ai du ge ta ro ko lo ge na hara ga hara me ade gi ko ko da nang la kada hai ko ko na ai la la ro ko lo ro ko na thina ro je ko lo je na du hai bi na sa ni do ma pan to kira mi ade gi ko ko na ngasa gi mana sor sang ko do ga skitang kitang da ko gi samla da lit le ko le ne man si si har mu kung da ngasa gi ma tung sin jale tin jala ga ngasa gi man lo chen gi ba tan do adu do mana adu do ka ta ra ga adu do na breakfast ta ro ta ra ke ko la ge ai gi puk se la ma na ko gi guru ko ngi ko le ha do gi tan da do adu bo yo ga ngi ko de ma ta ra ko mi ngi se ko ko tastari utha kar mes ke pas aata hai ngasa gi ko ko na ngasa gi tan ha pa plate adu do पोरा मसाई माई टेबल में लाए एक रोटी उठाकर खाने लगता है दो तन मजे सीज मान पायर मान साब से हॉरमे को तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है दो मतम दमान तन मजे चाब है हो मतम खाऊंगा कोई ठोंग जे थी हॉरमे को कोको दस्तरी नीचे रखकर मसाई की माई की प्लेट तो हाथ हम जाने अब कौन आ तब का होजी कनानो मूल आई से कनानो ठोंग खिलाई खोलीजिए नमान हजरे को मिमी कोको दरवाजा खोलो मैं हूँ मिमी कोको थो हम दो ऐनी मिमी नंग साइगी कनो ना मिमी जी ने मुहारे बोका कोको बाप रे यहाँ तो मिमी है सीधी मिमी ने उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है माँ जो कोई नंग साइगी चाक नशे मतन जैसी जे ऐ दो ना माँ जो हमने पाम बनी कोट बनी नंग साइगी कोको ना हायरे बोका और वहाँ हमेशा भूखी होती है दो माँ जाया मतम ना दुम लाम लेगी मिया मनी मुझे रोटियाँ सिपा देनी चाहिए आई ना मसी की तंजा सी रोशन का तब नहीं है ना सही रोशन तो यार रोई कॉलर है ना को ना मसाला हज़र में लेकिन कहा दो कदाई चल ना है ये वहाँ कुछ खाने का चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी अदो मान कई गुम अमरचा के चाना वो कौन है वो सही जाए सीजे अमरचा ठी ने भी चमकता माना यूं खुद मक जाए सीजे लोग ओत पकोत पकोएगी ठी वो हम बकोत पसंद जाए माना तवी कॉलर ना सही वो कौन है मसाला हज़र में होगा मिमी फिर दरवाज़ा खटखटा कर मिमी ने अमुक मसाई की थोंग जे अमुक ठिल लगा को कोको दरवाज़ा खोलो ना कोको थोंग तो हम दो इतनी देर क्यों लगा रहे हो अस कोई नसंग जे करीगी नो नसाई की मिमी ना कोको तो मुहरा में बका कोको कहाँ से पाऊँ क्या लोशन जीगे कहाँ से पाऊँ क्या लोशन जीगे कमरे के चारों तरफ देख कर कहागी माकी मरी मतमानी ये लगा ठीक है अरे इस फूलदान के अंदर छिपा दूंगा सीखी गमला जैसी जी मुँह दोई ना लोसा लगी है ना सही कोको ने मान हजर में बुका कोको फूलदान में तस्तरी रख कर दरवाज़ा खोलता है दो कोको ने सही गमला दो जो मान सही तनहा पर कनो दो ले तो दो 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 तो थम बगा थोंग दो हम दो में मिमी कागज़ में लिखता बंदल उठाए कमरे में आती है मिमी ने सही माँ की सही चीन योम्बा कोई बंदल अमा मान अदो तो पाए रहेगा कहा था मान संगम में बुका मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा क्यों कर दी दो मिमी ना थो हम तो मत शाम थी जे शाम को तो करेगी नो ना सही मिमी ना कोको तो हैरा मे बुका कोको मैंने अभी भी नाश्ता किया था अन हजी हुई था ब्रेकफास्ट उदंग आ रही और मुँह धोने लगा था अन होगी चिन चिन खुद के कासे ऐसी हम दो बनी आओ बैठो चंगो हम मुलाओ कोको और मिमी मेस के इर्द गिर्द बैठे हैं अदो कोको अमस मिमी से कोई की फान कोई टेबल दूगी माओ मांग दो ओपोजिट ओपोजिट हमारे भाव में रुका मिमी मुझे अभी भी तुम्हारे माता पिता मिले आई हो जिकता न कोई की इमा इमा अमसू न कोई बाबा जे हो जिकता थेनरम बनी तुम्हारे माता जी ने कहा न कोई इमान हरमी की कही नो तुम्हारे लिए नंगी दमकता चावल की कुछ रोटियाँ रखी है वही तनगी चा की तन जै शीख रहा था मम्मी अपनी ने मैंने सोचा आई न खन बता कोको चावल की रोटियाँ चा कितन हाँ थी तो हाँ हो ले रम्मी लेकिन मैंने सब खा लिया दो अदू तो अरे नंगसाएगी कोको ना मिमी धारा में बुका मिमी एक भी नहीं बच्ची अम्मा फाउलेम द्रबरा नंगसाएगी मिमी ना कोको धारा में बुका कोको सॉरी मिमी
मैंने सब खा ली सॉरी मम्मी अरे मेरे साथ हो करें हाथ से पेट को मलते हुए नसाई की मखुच ने मबुक तो दूध ना लगा हाय रे बेको पेट एकदम भर गया है कोई पूछे थल्ले ही रहे लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा अरे सुन खन बदा कोई नहीं थी साग से हसी भाव सा दबा या वही मूंग नहीं रे खोले नसाई की कोको ना मम्मी ने हर में बेको मम्मी बहुत बुरी बात आपने फत बनी मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे होगी माना होगी लफोएगी पापड़ जैसी सेम बनी मैंने सोचा ऐन खन बदा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी नंग लूने ना होगी ये नरगा साग ये न खलम बनी मैं चार पापड़ लाई हूँ ऐन होगी पापड़ जी मरी पोरपनी दो तुम्हारे लिए अनी नरंगी दो अपने लिए अनी न आएगी सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों को बढ़िया नाश्ता रहेगा ऐन सुन खन बदा नंगी साकी तंदुगा अमसुंग आएगी होगी लखोई ने सेम्बा पापुर जी का खे निजे अनी सब सब कंबाइन होना होगी ब्रेकफास्ट है ऐसे जम फना तवनी खोपने ना इसमें खलम बनी खोपने सागी मिमी ने हरा में बका मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है मिमी ने सागी चेगी चे नहीं हो सागी बंडल लो दो हांगदों में अदूगा पापुर जैसे लथों में वहाँ उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रख दिया दो माँ नंगसाई प्लेट में दहा पगा टेबल मतलब पापड़ दो थानों में बको शिव तथा जी को